गुड मॉर्निंग ऑल। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम आज प्लांट डेवलपमेंट जो है, या प्लांट का जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और उससे रिलेटेड कुछ जीन्स हैं, और साथ में फ्लोरल जो डेवलपमेंट है उसका, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये प्लांट डेवलपमेंट वाला, बहुत डेप्थ में मैं यहाँ नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये एक हफ्ते लंबा भी हो सकता है, एक महीने लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे, और हम डायरेक्ट उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर की क्वेश्चन बनते हैं लाइफ साइंस रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं अपने JRF वाले उनके अंदर। तो बहुत ही बेसिक सी बात करते हुए, कुछ खास नाम हैं जीन्स के और उनके फंक्शन हैं वो हम साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि लाइफ साइंस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बार, कि लाइफ साइंस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी लाइफ साइंस की स्ट्रीम से MSc करने वाले सभी स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो इस एग्ज़ाम में हर एक चीज़ का पोर्शन है, हर एक स्ट्रीम का पोर्शन है, हर एक सब्जेक्ट का पोर्शन है। तो इस कंडीशन में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सुपरफिशियल आते हैं। कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनते हैं, और वहीं से क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं मेनली। तो हम उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही बात करने वाले हैं, ध्यान रखना। ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन श्योर है कि इस पॉइंट पर तुम्हें देखने को मिलेगा, और हो सकता है एक क्वेश्चन बी और एक क्वेश्चन सी पार्ट दोनों में देखने को मिले। कई बार सी पार्ट में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस वाले पार्ट से डेवलपमेंट बायोलॉजी के रिलेटेड। तो बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही खास टॉपिक है ये प्लांट डेवलपमेंट वाला। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि जो बॉटनी से नहीं है उनको भी ध्यान में रखते हुए सिलेबस डिज़ाइन किया गया है बेसिकली। तो प्लांट डेवलपमेंट में सबसे पहले अपन बेसिक बात करते हैं कि यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं, एनिमल्स में हमने बात की थी कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर ही जर्म सेल्स प्रीकर्सर जो हैं वो बन जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जर्म सेल्स जो मेकिंग का डिसीजन है वो लेटर एज ऑफ डेवलपमेंट में आता है, जब फ्लावरिंग होती है उस टाइम पर मोस्टली। तो डिसीजन टू मेक जर्म सेल्स इज टेकन एट लेटर एज ऑफ लाइफ। प्लांट्स हैव मोर जीनेटिक लोड बिकॉज ऑफ टू मच रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड पॉलीप्लॉयडी। तो ये हमें ध्यान है कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं पॉलीप्लॉयडी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल्स मेनली डिप्लॉयड होते हैं, कुछ हैप्लॉयड भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं इनमें पॉलीप्लॉयडी भी देखने को मिलती है, मतलब सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ साथ इनके जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जेनेटिक लोड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये बेसिकली स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए ऐसा इनमें पाया जाता है। प्लांट्स हैव हाई रीजनरेशन पोटेंशियल एंड शोज परसिस्टेंट ग्रोथ एट टिप्स। मतलब यहाँ पर रीजनरेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो तुरंत ही वहाँ पर नई सेल्स जो है बनना शुरू करती हैं, डिफरेंशिएट होना शुरू करती हैं, और वो पार्ट जो है बनना शुरू हो जाता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लांट के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको भी एज एन एक्सप्लांट काम में लेते हुए पूरा नया प्लांट बनाया जा सकता है इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं बनाया जा सकता, स्पेसिफिक कुछ इंडक्शन देने पड़ेंगे। परसिस्टेंट ग्रोथ, क्योंकि टिप्स वाला जो पार्ट है मेनली प्लांट्स में, वहां पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू, विभज्योतक जो उत्तक है वो उपस्थित रहता है, मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट रहता है। बेसिक बॉडी प्लान जो है प्लांट्स का वो स्पोरोफाइट
इज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट जो है बेसिकली, स्पोरोफाइट बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स जो है मेनली, या 2N जो सेल्स हैं उनसे बना हुआ है स्पोरोफाइट, और गैमिटोफाइट जो है वो N या हैप्लॉइड सेल्स से बना हुआ है मेनली। गैमिट्स फॉर्म्ड बाय माइटोसिस ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स। ये क्या चीज है, तो ये यहां पर अपन देखते हैं बेसिकली क्या है यहां पर। ये मेनली मान लो प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट है, यानी कि 2N है। हम स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में बात करेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो पोर्शन है वो क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में आते हैं। तो कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा या थैलोफाइट वगैरह है, तो उनमें तो स्पोरोफाइट जो है वो मेन होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो भी हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ हमारे बातें जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में रहेंगी। तो स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी रहता है, 2N रहता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स रहती हैं, स्पोर मदर सेल्स, और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं ये बेसिकली आगे हम बात करेंगे, ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स माइटोसिस जो है उससे गैमिटोफाइट बना रहा है, गैमिटोफाइट माइटोसिस से गैमिट्स बना रहा है। तो यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मियोसिस से बनाती हैं स्पोर्स, और स्पोर्स जो हैं वो माइटोसिस से, यहाँ पर बेसिकली कुल मिलाकर गैमिट्स जो हैं वो माइटोसिस से बन रहे हैं, यहाँ पर स्पोर्स जो हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं। जबकि एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा था कि गैमिट्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं, और वो स्पोर्स जो हैं वो माइटोसिस से आगे डेवलप होकर गैमिटोफाइट बना रहे हैं, जिसमें कि गैमिट्स बनते हैं स्पेसिफिकली। तो ये कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट्स में जो हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स को मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं जिनके बारे में हम नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था। तो कुछ बेसिक पार्ट है, क्योंकि जिन्होंने बीएससी में जूलॉजी ऑनर्स ले रखा था, या जो बायोटेक से हैं, या जो माइक्रोबायोलॉजी से हैं, उन्हें ये बेसिक बातें पता नहीं है शायद, इसलिए हम एक बार बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए डेवलपमेंट पर आएंगे आगे। तो 5 डिफरेंट टाइप जो हैं उनमें इनको डिवाइड किया गया है बेसिकली प्लांट्स को, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये बेसिकली 5 टाइप्स हैं जिनके अंदर इनमें बात की गई है। थैलोफाइट्स बेसिकली क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। हैप्लोंटिक मतलब हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो लाइफ साइकिल के मेन पार्ट हैं, और उन्हीं हैप्लॉइड सेल से स्पोरोफाइट बनता है, जो कि बहुत ही कम समय तक बनता है, और ये एक पैरासाइट की तरह रहता है, यानी कि बेसिकली ये न्यूट्रिशन अपटेक जो है वो गैमिटोफाइट से ही करता है, या हैप्लॉइड जो सेल्स हैं बेसिकली उन्हीं से न्यूट्रिशन अपटेक करता है। तो मैं कह सकता हूँ स्पोरोफाइट पैरासाइट ऑन गैमिटोफाइट, ये थैलोफाइट्स हैं। तो इनिशियल या एंशंट जो प्लांट्स हैं वो हैं बेसिकली यहाँ पर ये। फिर हम बात करें ब्रायोफाइट, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट हुआ बेसिकली जिम्नोस्पर्म तक आते आते, एंजियोस्पर्म तक आते आते, तो उसी को हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखा है। ब्रायोफाइट है, यहाँ पर डिप्लोहैम्प्लोंटिक लाइफ साइकिल है, मतलब डिप्लॉइड जो पार्ट है या जो गैमिटोफाइट जो पार्ट है वो कुछ समय तक यहाँ पर ऑब्जर्व होना शुरू हुआ, वो भी लाइफ साइकिल का एक पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन मेन जो पार्ट है लाइफ साइकिल का वो है हैप्लोंटिक, यानी कि हैप्लॉइड। फिर बात करें टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स तक आते आते जो प्लांट्स हैं वो रूट, शूट और स्टेम जो है उनमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए थे। टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, मतलब यहाँ पर जो डिप्लोंटिक या स्पोरोफाइट जो है वो मेन पार्ट बनाने लगा लाइफ साइकिल का। वैस्कुलराइजेशन यहाँ पर शुरू हो गया था, यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो अपीयर होना शुरू हो गए थे। जिम्नोस्पर्म जो है इनके अंदर बेसिकली मेन डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर मेन जो पार्ट है वो होगा स्पोरोफाइट, और गैमिटोफाइट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर मेनली यहाँ पर बनता है। जबकि थैलोफाइट्स में हम बात करें तो यहाँ पर मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है, नीचे की तरफ आते आते क्या होगा, वेजिटेटिव जो है वो कम होता जाएगा,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेन रिप्रोडक्शन होता जाएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है इनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनका बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म इनमें भी मेनली डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ फ्लावरिंग जो ऑर्गन्स हैं या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अगर छिपे हुए हैं तो उनको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं, और अगर फ्लावर्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम फेनेरो गेम्स कहते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ जिनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा जैसा कि मैंने पहले दिखा था। अच्छा, यहाँ पर प्लांट्स में वेस्कुलराइजेशन जो है वो टेरिडोफाइट से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनको ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैकीड्स हैं बेसिकली जाइलम की ट्रैकीड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में ये प्रेजेंट नहीं थी, तो इन्हें एट्रैकियोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा गया। ट्रैकियोफाइट्स जिनमें कि ट्रिप्टो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये तीनों आते हैं, इनमें भी अगर मैं बात करूं तो जाइलम वेसल्स का प्रेजेंस जो है वो सिर्फ बेसिकली जाइलम वेसल्स का जो प्रेजेंस है वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है मेनली, जबकि जाइलम वेसल्स जो है वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट रहती है। तो उस आधार पर अगर हम इनसे बनने वाली जो वुड है, काष्ठ जिसे बोलते हैं वुड, तो वेसल्स का डायमीटर क्योंकि ज़्यादा होता है तो उस आधार पर वेसल्स की एब्सेंस के कारण टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म की जो वुड है उसे नॉन पोरस वुड कहा जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म जो है उनमें जो वुड है, जो कास्ट है, उसे पोरस वुड कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि इसमें वेसल्स के कारण पोर्स देखने को मिलते हैं अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो स्टेम का। फिर हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन प्लांट्स। यहाँ पर भी दिमाग में ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म को मेन टारगेट करते हुए हम बात कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में मैं यहाँ नहीं जा रहा, सिर्फ जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो सेक्स ऑर्गन्स जो है उनमें हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो है वहाँ पर उसे एंड्रोशियम हमने कहा है, और इस एंड्रोशियम में एक जो यूनिट है उसे स्टेमन कहा, और स्टेमन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया हमने, एंथर और नीचे वाला पार्ट जो है वो है फिलामेंट। एंथर जो है, इस एंथर वाले पार्ट को अगर हम यहाँ से कट करें ऐसे, और इसका टीएस अपन काट के देख रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यहाँ पर भी मैं फिर से बात कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन वो सभी लेयर्स यहाँ पर मैंने शो नहीं की है, हमने सिर्फ उन्हीं लेयर्स को शो किया है जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में तुम्हें लेयर्स देखनी है तो किसी एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा, जो 11th या 12th वाले बुक्स हैं उनके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर बहुत डेप्थ में उसके बारे में बात नहीं कर रहे। मैं कुछ मेन मेन जो नाम है वो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो ये जो एंथर है उसका जब टीएस हम काट रहे हैं तो वो इस तरह का दिखाई देता है बेसिकली, बेसिकली ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हर एक लोब जो है उसके दो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसी में यहाँ पर बेसिकली लाइन ऑफ डाइसेंस प्रेजेंट होता है, स्फुटन रेखा जिसे कहा जाता है, लाइन ऑफ डाइसेंस। जब बेसिकली ये एंथर जो है मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, उस टाइम पर ये डाइसेंट होता है, स्फुटित होता है, टूटता है और पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। तो उतना डेप्थ में यहाँ पर नहीं जा रहा, मैं वापस से वही बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ नाम हैं जो हमारे काम के हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो इसको हमने एंड्रोशियम कहा है, ठीक है, और इसमें बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला एंथर वाला पार्ट है उस एंथर वाले पार्ट का हमने टीएस यहाँ पर शो किया है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर बेसिकली ये चार
स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट है। और हर एक स्पोरेंजिया में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन उन सभी लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं फिर से। तो उन सभी लेयर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके नाम जो हैं वो हमें पता होने चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेयर है टैपिटम, इस टैपिटम के बारे में बात कर रहे हैं अपन। टैपिटम है, इसके अंदर कुछ मिडिल लेयर्स भी रहती हैं और बहुत सारी लेयर्स रहती हैं। अंदर की तरफ जो है माइक्रो स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं ये डिप्लॉयड हैं, टैपिटम वाली सेल्स हैं ये भी डिप्लॉयड हैं। अब ये चार हैं इस तरह से स्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकता हूँ मैं इसको। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको जो कि डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। बेसिकली एक मियोसिस होने से एक जो सेल है उसमें मियोसिस जब होता है तो उससे चार डॉटर सेल्स बनती हैं और चारों हैप्लॉयड होती हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसके केस में जब मियोसिस होता है तो बनने वाली चार माइक्रोस्पोर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे स्पोर टेट्राड कहते हैं, चतुष्क जिसको बोलते हैं। चार सेल्स हैं वो आपस में यहाँ पर चिपकी हुई हैं, तो इसे बोला जाता है स्पोर टेट्राड। ये स्पोर टेट्राड जो है इसमें बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रही है चार हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं बेसिकली। और ये हर एक सेल जो है, हर एक सेल बेसिकली यहाँ पर जो है हर एक सेल, ये स्पोर टेट्राड जो हमने शो किया था, इस स्पोर टेट्राड की हर एक सेल, सभी सेल्स जो हैं वो मियोसिस करती है, सॉरी सभी सेल्स माइटोसिस करती है। एक यूनिक माइटोसिस यहाँ पर इन सभी सेल्स के द्वारा किया जाता है, एक यूनिक माइटोसिस इन सभी सेल्स के द्वारा किया जाता है। और उस यूनिक माइटोसिस का रिजल्ट क्या होगा, तो ईच सेल विल फॉर्म पोलन ग्रेन, यानी कि ये जो स्पोर टेट्राड है इससे चार पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन ग्रेन बनाने के प्रोसेस के दौरान इसमें एक यूनिक माइटोसिस होगा, उसके बाद ये चारों सेल्स अलग हो जाएंगी, इनके चारों तरफ कुछ लेयर का निर्माण होगा, कुछ लेयर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होगा इनके चारों तरफ। ईच सेल शोज यूनिक माइटोसिस और इस माइटोसिस के दौरान सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर बनती है, कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, वो केमिकल इनके चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। टैपिटम की सेल्स और स्पोर सेल्स दोनों कुछ सिक्रीशन करते हैं और फिर इस तरह से एक स्पोर जो है वो कम्प्लीटली बन जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर उन चारों सेल्स में यूनिक माइटोसिस चल रहा है, लेकिन मैं उस स्पोर टेट्राड के एक स्पोर को यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हुआ एक माइटोसिस और माइटोसिस से दो सेल्स बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सेल विद इन सेल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। एक ये बाहर वाली सेल का न्यूक्लियस है जिसे जिसे ट्यूब सेल कहा जाता है, और एक नीचे की तरफ एक सेल बनी है छोटी, इसी के अंदर जो है तो ये जर्म सेल है बेसिकली। तो दो सेल्स जो है वो यहाँ पर बनी है बेसिकली, एक सेल जो अंदर की तरफ है उसे बेसिकली कहा जाता है जर्म सेल, और वो सेल जो बाहर की तरफ है उसे कहा जाता है ट्यूब सेल। इनके चारों तरफ दो लेयर बनी हुई हैं, बाहर वाली लेयर को एग्जाइन कहा जाता है और अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहा जाता है। जो इंटाइन लेयर है इसका सिक्रीशन बेसिकली किया जाता है, इंटाइन जो लेयर है इस इंटाइन लेयर का सिक्रीशन किया जाता है बेसिकली, जो स्पोर सेल्स हैं अंदर की तरफ या जर्म सेल जो है बेसिकली उसके द्वारा सिक्रीटेड मटेरियल या जो
ट्यूब सेल्स है उसके द्वारा सिक्रेटेड मटेरियल जो है वो इंटाइन लेयर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाइन लेयर जो है, ये एग्जाइन लेयर जो है इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है उनका सिक्रेशन टैपिटम की सेल्स के द्वारा और स्पोर जो सेल्स हैं उनके द्वारा दोनों के सिक्रेशन से मिलकर होता है एग्जाइन जो लेयर है उसका फॉर्मेशन। एग्जाइन लेयर की एक खास बात है और वो खास बात है कि एग्जाइन लेयर में एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट है जिसे स्पोरो पोलेनिन कहा जाता है। और ये जो स्पोरो पोलेनिन है, जिसे स्पोरो पोलेनिन कहा जाता है, और ये जो स्पोरो पोलेनिन है ये टफेस्ट पार्ट है प्लांट जो है उनकी बॉडी में, टफेस्ट पार्ट है बेसिकली। इसको एसिड या बेस के द्वारा भी जो है डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये टैपिटम लेयर के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है बेसिकली इसका, ठीक है। और ये एग्जाइन लेयर जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब ये जो पोलन यहाँ पर बन गया है या पोलन ग्रेन यहाँ पर जो बन गया है, ये पोलन ग्रेन जो है अब बेसिकली जब स्पेसिफिक टाइमिंग आएगी और जो एंथर है उसका डेहिसेंस होगा, स्फुटन होगा, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये पोलन ग्रेन जो है ये जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर लैंड होगा और इस पोलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो गाइनोशियम है वहां पर जाकर लैंड होना, कहाँ लैंड होता है, कहाँ पर जाकर ये उसके साथ चिपकता है बेसिकली, वो हम आगे अभी बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पर बन गया है जिसके अंदर ट्यूब सेल और जर्म सेल प्रेजेंट हैं, दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये पोलन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर चिपक जाएगा या लैंड कर जाएगा तो इसे कहा जाता है बेसिकली पॉलिनेशन। और फिर ये पोलन जो है इसमें से मेल गैमेटोफाइट बनना शुरू होता है। ये कैसे बनेगा अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले एक छोटा सा एक पार्ट है जिसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेल्फ कंपैटिबिलिटी इज फाउंड इन टू जनरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। अब यहाँ पर ये पॉलिनेशन से रिलेटेड है, इसके बारे में बात करूँ उससे पहले एक बार मैं फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे कहा जाता है गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे बेसिकली कहा जाता है गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम जो है, इस गाइनोशियम के तीन पार्ट, गाइनोशियम जो है इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर इसको पिस्टिल कह सकते हैं या ये एक पार्ट जो है सिंगल इसका, इसको पिस्टिल कह सकते हैं। अलग अलग नाम है बहुत सारे, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, सिर्फ एक नाम जो बता रहा हूँ, बेसिक इतना बहुत है हमारे एग्जाम के हिसाब से। ऊपर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, फिर बीच वाला पार्ट है इसे कहा जाता है स्टाइल, और सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे कहा जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं और ये जो ओव्यूल हैं इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जब यहाँ पर बेसिकली रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर लैंड कर जाता है। ये स्टिग्मा वाला पार्ट जो है बेसिकली पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर आकर चिपक जाता है। एग्जाइन और इंटाइन लेयर जो है वो फट जाती हैं बेसिकली और अंदर से जो ट्यूब सेल है वो आउट ग्रोथ करना शुरू करती हैं और वो ट्यूब सेल आउट ग्रोथ करके इस तरह से एक ट्यूब का निर्माण करती है। और वो ट्यूब जो है उस ट्यूब के अंदर जो जर्म सेल्स थी उसका बेसिकली उस जर्म सेल्स का यहाँ पर हो चुका होता है तब तक माइटोसिस और दो मेल स्पर्म जो हैं उनका यहाँ पर निर्माण हो जाता है बेसिकली। तो वो ट्यूब सेल जो है वो अंदर जो ट्यूब है पोलन ट्यूब वो अंदर की तरफ बढ़ती जाती है
और फिर आगे जाकर वो एग सेल को फ्यू सॉरी ओव्यूल जो है उसके साथ बेसिकली फ्यूज़ हो जाएगी, और जो मेल गैमीट्स हैं जो जर्म सेल के माइटोसिस से बने वो बाहर निकल जाएंगे, वो एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है और टॉपिक है जो यहाँ से रिलेटेड है और जिस पर हमारे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में, और वो टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? बेसिकली प्लांट्स जो हैं इनके अंदर सेल्फ मान लो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जा रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन पाया जा रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में तो क्या हुआ कि एक प्लांट है वो दूसरे एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो बेसिकली दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज वाले दूसरे प्लांट जो है उसके स्टिग्मा उसके फ्लावर में प्रेजेंट जो स्टिग्मा है उन पर जाकर लैंड करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया बेसिकली। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि जो पोलन ग्रेन है वो बेसिकली जिस प्लांट पर बन रहा है उसी प्लांट पर फ्लावर के अंदर जो है फर्टिलाइज कर रहा है उसी प्लांट के फ्लावर को। सेम प्लांट के जो फ्लावर्स हैं यानी कि एक ही प्लांट के मेल और फीमेल हैं यानी कि भाई बहन जो हैं आपस में उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और दूसरा जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या हुआ सेम प्रजाति के हैं सेम जाति के हैं सेम स्पीसीज के हैं लेकिन उनके माँ बाप अलग हैं यानी कि एक का प्लांट अलग है और दूसरा प्लांट अलग है उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने से तो क्या होगा कि वेरिएशन जनरेट होंगे, डिजीज़ के चांस कम होंगे, तो वो आराम से जो है वो फेवरेबल है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन वाले केस में क्या हो सकता है, डिजीज़ के चांस बढ़ सकते हैं, होमोजाइगोसिटी इनक्रीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान भी जो है कुछ ऐसी जीन्स काम करती हैं जो कि मिनिमम कंपैटिबिलिटी जो है उसको बेसिकली फेवर करती है। तो यहाँ पर जो जीन्स काम आती हैं सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान वेरिएशंस को जनरेट करना या वेरिएशंस को मेंटेन करवाने का काम किया जाता है, एक स्पेसिफिक जीन है जिसे कहा जाता है एस लोकस। और इस एस लोकस जीन के जो एलील्स हैं वो अगर सेम होते हैं तो उस कंडीशन में जो पोलन है वो स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद भी स्टिग्मा पर आने के बाद भी फर्टिलाइज नहीं कर पाता एग को। और अगर वो एस लोकस के एलील मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में अलग अलग होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इससे वेरिएशन जनरेट होते हैं और इसी को कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये एंजियोस्पर्म जो है उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है जो कि वेरिएशंस को मेंटेन रखती है बेसिकली। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये दो तरह की होती है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले थ्योरी थोड़ी सी रीडिंग लगा लेता हूं मैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड टू जनरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज रेगुलेटेड बाय एलील्स ऑफ एस लोकस जीन्स। एस लोकस जीन के जो एलील्स हैं उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसको। एस लोकस एलील्स जो हैं इनके जो जीन प्रोडक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो कि एक्सप्रेस होते हैं पिस्टिल के अंदर, विच एक्सप्रेस इन पिस्टिल यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके अंदर एक्सप्रेस होने वाली जीन्स हैं। कुछ एक्सप्रेस होती हैं पोलन, दूसरा टाइप है एक्सप्रेस्ड इन पोलन और पोलन रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो इनके अंदर एक्सप्रेस होती है, तो एस लोकस के एलील्स जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी, उनकी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी जो है वो चेक की जाएगी। तो दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है इन प्लांट्स के अंदर। पहली है SSI या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी,
याद करने का तरीका बिल्कुल 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 सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या है तरीका याद करने का? कि SSI, स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दो शब्द हमें पता होने चाहिए। स्पोरोफाइट शब्द दिमाग में आते ही आना चाहिए, 2N, 2N डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट शब्द दिमाग में आते ही आना चाहिए, N या हैप्लॉइड। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहली बात स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। इसका मतलब हम बेसिकली जो हमारा पोलन है, उस पोलन में जो एग्जाइन लेयर है बेसिकली, उसमें कुछ प्रोडक्ट गैमेटोफाइट जो हैं उनके द्वारा एक्सप्रेस किए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट स्पोरोफाइट के द्वारा एक्सप्रेस किए गए हैं। तो जो आउटर लेयर है बेसिकली, उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें टैपिटम लेयर के द्वारा सिक्रेटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और टैपिटम लेयर के द्वारा सिक्रेटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और टैपिटम लेयर होती है बेसिकली डिप्लॉइड सेल्स की बनी हुई। तो टैपिटम लेयर के द्वारा बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट रहेंगे, दो एलील्स का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब हम बात करेंगे डिप्लॉइड सेल्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पर कंपैटिबिलिटी का चेक किया जाना। तो इस कंडीशन के अंदर, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें, तो यहां पर बेसिकली ये मान लो दो कंडीशन हमने शो की है कि दो प्लांट हैं और उन प्लांट पर पोलन ग्रेन जो है उसने लैंड किया है, और पोलन में जो स्पोरोफाइट वाले जो एलील हैं एस लोकस के या एस जीन के, वो हैं S1 एंड S2। दूसरी तरफ ये S1 S2 एलील कंटेनिंग पोलन ग्रेन जो है वो दो तरह के फ्लावर्स पर लैंड हुआ है, दो प्लांट के फ्लावर पर आकर चिपका है। एक प्लांट जो है इसमें S1 लोकस एलील जो है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो है S1 और S2। दूसरा प्लांट जो है इसमें जो S लोकस एलील है वो है S3 और S4। तो अब यहां पर कंपैटिबिलिटी के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो उस कंडीशन में पोलन ग्रेन का है S1 S2, इस प्लांट का भी है S1 S2, तो दोनों एलील सेम है, सेम है, तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पोलन ट्यूब यहां पर बाहर नहीं निकल पाएगी, और पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन से पहले या पोलन जर्मिनेशन से पहले ही कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट किए जाएंगे और इस पोलन ग्रेन को यहां से हटा दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में बात करें तो यहां पर पोलन ग्रेन जो है उसके एलील हैं S1 S2, और जो स्टिग्मा वाला जो पार्ट है उस पर जो एलील एक्सप्रेस हुए हैं एज ए प्रोडक्ट वो है S3 S4। तो चारों एलील डिफरेंट है, तो यहां पर सक्सेसफुल पॉलिनेशन जो है वो संपन्न होगा, पोलन जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा, पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी और ये आगे जाकर फर्टिलाइजेशन जो है वो करवाना शुरू कर देगी यहां पर। तो ये कहलाता है बेसिकली स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दो एलील्स जो है उनको चेक किया गया है बेसिकली यहां पर, और यहां पर स्पोरोफाइटिक जब होगा तो कंपैटिबल इनकम्पैटिबल होने पर बेसिकली क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, कंपैटिबल होने पर बेसिकली जर्मिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल यहां पर बात करें, एक एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम यहां पर लेके चल रहे हैं, सभी प्लांट्स में देखने को नहीं मिलती है, ध्यान रखना, कुछ स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर इनकम्पैटिबिलिटी के दौरान, यहां पर SSI के दौरान कैल्शियम आयन और IP3 आइनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, कैल्शियम आयन एंड IP3 रिलेटेड सिग्नलिंग जो है वो देखने को मिलती है, और ये जो सिग्नलिंग है यहां पर बेसिकली इस जगह पर अपन बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो मेल गैमेटोफाइट है उस मेल गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन के दौरान बारे में अपन ने बात नहीं की, वो एक बार देख लेते हैं। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो आगे की तरफ दो मेल गैमीट जो जर्म सेल से बने हुए माइटोसिस के द्वारा वो आगे आगे चलते हैं,
ट्यूब न्यूक्लियाई आगे की तरफ चल रहा है जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। पीछे की तरफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाते हैं जिसे कहते हैं कैलोज प्लग। तो ये कैलोज प्लग पीछे डिपॉजिट हो रहे हैं, ये आगे की तरफ एक प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि ये जो मेल गैमीट्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कैल्शियम आयन और IP3 रिलेटेड जो सिग्नलिंग है वो इसके पाथ को डायरेक्ट करती है। बेसिकली स्टिग्मा में IP3 रिलेटेड स्टाइल वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर फीमेल में, यहाँ पर कैल्शियम आयन और IP3 रिलेटेड सिग्नलिंग होती है जो कि इस पोलन ट्यूब के पार्ट को या पोलन ट्यूब जो निकली है इसको दिशा निर्देश देती है, मतलब डायरेक्शनल क्लू देती है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये कैल्शियम आयन IP3 रिलेटेड सिग्नलिंग जो है वो डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। एग्जाम्पल खास हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है ब्रैसिकेसी फैमिली जो है उनके अंदर रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन लीगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। ब्रैसिकेसी फैमिली में एग्जाम्पल है, मैकेनिज्म क्या है उसको शो कर रहे हैं अपन। मैकेनिज्म क्या है, रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन लीगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा की जो मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि SLK और SRK कहा जाता है। बेसिकली एस लोकस काइनेज और सीरीन रिसेप्टर काइनेज, ये दो तरह के रिसेप्टर जो हैं स्टिग्मा की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहते हैं। और पोलन जो ग्रेन है, पोलन ग्रेन की एग्जाइन जो है उसमें लीगेंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो वो लीगेंड मॉलिक्यूल जो है वो अगर सेम एस लोकस एलील का हुआ तो रिजेक्शन हो जाएगा, अगर डिफरेंट एस लोकस एलील का हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा टाइप है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर बेसिकली इनकम्पैटिबिलिटी चेक किस आधार पर की जाएगी, गैमेटोफाइट के प्रोडक्ट के आधार पर, गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड सेल के प्रोडक्ट के आधार पर। तो हैप्लॉइड सेल के प्रोडक्ट बाहर कैसे निकलेंगे, जब पोलन जर्मिनेट हो जाएगा, एग्जाइन इंटाइन लेयर जो है वो फट जाएगी। बेसिकली हमने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा लेकिन पोलन जो ग्रेन होता है उसमें एग्जाइन लेयर में कुछ होल प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक, जहां से होते हुए पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा उसमें डेप्थ में गया नहीं, ना ही जाने की रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ यहां पर हमें इतना ध्यान रखना है कि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा। तो सबसे पहले तो गैमेटोफाइटिक यानी कि हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल के प्रोडक्ट बाहर आएंगे और उन हैप्लॉइड सेल के जो प्रोडक्ट हैं उनको क्रॉस मैच किया जाएगा और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो हैप्लॉइड सेल के प्रोडक्ट बाहर आने के लिए पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होना जरूरी है। तो इसका मतलब GSI या गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के दौरान जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन दोनों केस में हो जाता है। यहां पर हमने शो किया है कि जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन में जो गैमेटोफाइट है उसमें S1 जो एलील है वो प्रेजेंट है, एस लोकस जीन का S1 एलील प्रेजेंट है। और जो फीमेल है प्लांट, वो दो प्लांट हमने लिए, एक प्लांट में एस लोकस के S1 और S2 एलील एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे प्लांट में एस लोकस के S2 और S3 एलील प्रेजेंट है। तो जर्मिनेशन दोनों में हो जाएगा, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इस लेफ्ट वाले केस में तो इसमें S1 एलील गैमेटोफाइट में आ रहा है और इसमें भी एक S1 एलील प्रेजेंट है। तो S1 से S1 सिमिलैरिटी होने के कारण यहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट तो हो गई है, लेकिन उस जर्मिनेशन को बीच में ही स्टाइल में ही रोक लिया जाएगा, इसको डिग्रेड करवा दिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे केस में यहां पर एस लोकस एलील है और इसमें S2 और S3 एलील प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो है, क्योंकि तीनों एलील डिफरेंट हैं, तो यहां पर जर्मिनेशन जो है वो पोलन ट्यूब का सक्सेसफुल रहेगा, पोलन ट्यूब आगे जाएगी, आगे जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी
यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली गैमिटोफाइट वाली जो एलील है उसके आधार पर कंपैटिबिलिटी चेक की गई है, तो इसे कहा जाता है गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, GSI। एग्जाम्पल यहाँ पर भी याद रखना है, सोलनेसी और पेपेवरेसी फैमिली वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है GSI टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सोलनेसी वाले प्लांट जो हैं इनके अंदर स्टाइल वाली जो सेल्स हैं, स्टाइल वाली सेल्स एक आरएनएज सिक्रीट करती हैं, और ये आरएनएज क्या करता है, डिग्रेड आरएनए इन जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब, जो जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब है उसमें आरएनए को डिग्रेड कर देता है, जिससे उसमें प्रोटीन्स वगैरह नहीं बन पाते हैं और उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ जहाँ है वहीं रुक जाती है। पेपेवरसी फैमिली वाले प्लांट जो हैं इनके अंदर बेसिकली कैल्शियम मीडिएटेड सिग्नलिंग, कैल्शियम मीडिएटेड सिग्नलिंग जो है वो इनहिबिट करती है माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन को, और ये माइक्रोफिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, जिससे कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। भाई जो मेम्ब्रेन है, वैसे भी मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन के दौरान, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन बनाने में कौन काम आता है, एक्टिन साइटोस्केलेटन, तो उसको रोक दिया गया है तो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा वहीं पर और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रोका जाता है सेम एलील होने पर, और डिफरेंट एलील होने पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा डिफरेंट एलील होने पर, तो वेरिएशन जो है वो जनरेट होंगे इस तरह से। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने तीन पार्ट जो है ये बता दिए थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लेकिन यहाँ पर जो मेगा स्पोर मदर सेल है उससे एग कैसे बनता है वो हमने बात नहीं की थी, तो जो ओव्यूल है उस ओव्यूल में मेगा स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं बेसिकली, और वो ओव्यूल जो है वो ही बेसिकली मैक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली उसी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल्स जो हैं उनमें मियोसिस होगा, मियोसिस से चार हैप्लॉइड सेल बनती हैं जिनमें से एक मेगा स्पोर और तीन स्मॉल सेल्स डीजनरेटिव सेल्स बनती है, यानी कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है, ये डीजनरेटिव सेल्स जो हैं ये डिग्रेड हो जाती हैं। मेगा स्पोर जो है ये बेसिकली एग बनाता है, इस मेगा स्पोर में तीन माइटोसिस होते हैं, सक्सेसिव थ्री माइटोसिस एक के बाद एक, और यहाँ पर भी यूनिक माइटोसिस हो रहा है एक तरह से। और ये यूनिक क्यों है, क्योंकि इस माइटोसिस से तीन माइटोसिस अगर होते हैं तो टोटल आठ कोशिकाएं, एट सेल्स बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एट न्यूक्लियस और सेवन सेल स्टेज बनती है। इसका मतलब एक सेल ऐसी बनती है जिसमें कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मियोसिस के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे कहा जाता है फीमेल, ये ओव्यूल जो है ये चेंज हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पर जो मियोसिस हुआ था उससे सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पर बनी है, तो ये तीन सेल्स यहाँ पर हमने शो करी है और तीन सेल्स यहाँ पर हमने शो करी है, टोटल सेवन सेल्स यहाँ पर बनती हैं और एट न्यूक्लियस यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सिनर्जिट्स, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सिनर्जिट्स, एग सेल और पीछे की तरफ एंटीपोडल सेल्स और बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर सबको पता ही होगी, बेसिकली ज़्यादा इसमें मैं बात नहीं कर रहा, कुछ नाम है जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट के, कि ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं फनिकल, ये वाला पार्ट जहाँ पर ओपन है ये माइक्रोपाइल कहा जाता है इसको, साइड वाला पार्ट जो है इसको कहा जाता है इंटेगुमेंट्स, और सबसे पीछे की तरफ वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है चैलेजा। तो ये चैलेजा, माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट्स, फनिकल, ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। इसमें भी डेप्थ में जाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, बहुत डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, तो मेल और फीमेल गैमिट जो हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं कि अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है
उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, पोलन ग्रेन लैंड हुआ, पोलन ट्यूब बनी, दो मेल गैमिट इसके साथ आगे जा रहे हैं, नीचे की तरफ ये फीमेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब इन तीन लोकेशन में से किसी एक जगह पर जाकर फ्यूज हो जाती है। अगर ये पोलन, ये 1, 2 और 3 ये नंबर लिखे हुए हैं बेसिकली, 1, 2 और 3, अगर फर्स्ट नंबर पर जाकर फ्यूज होती है तो इसे चैलेजियल बेसिकली, सेकंड नंबर पर होती है तो इंटेगुमेंटल, थर्ड नंबर पर जाकर फ्यूज हो रही है तो इसे माइक्रो पाइलर, यानी कि यहां पर बेसिकली तीन तरह का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी मतलब इंटेगुमेंट पर जाकर फ्यूज हो रही है, पोरोगैमी मतलब माइक्रोपाइल पर जाकर फ्यूज हो रही है ये पोलन ट्यूब। बेसिकली हम एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो दो मेल गैमीट हैं वो दो मेल गैमीट यहाँ पर काम आते हैं, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये तो बेसिकली क्या बनाएगा, जाइगोट, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो है उनके साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन से बेसिकली बनता है एंडोस्पर्म बनाने वाली सेल। तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बन जाती है, और ये ट्रिप्लॉइड सेल तो बनाएगी एंडोस्पर्म, और जो डिप्लॉइड सेल है ये जाइगोट बना रही है, और ये जाइगोट माइटोसिस से बनाता है एम्ब्रियो। तो स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में बात की है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ जिम्नोस्पर्म जो हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है, और कहीं पर भी जिम्नोस्पर्म में अगर देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म वाली चीज़ तो वो होगा एक्सेप्शन, और जब भी एक्सेप्शन पूछा जाए जिम्नोस्पर्म का तो नीटेस या नीटम फैमिली वाले जो प्लांट्स हैं वो ध्यान रखना, वो हमेशा एक्सेप्शन की तरह देखने को मिलेंगे। ये है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो एंजियोस्पर्म के होते हैं, तो इनको बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की एक कड़ी, एक लिंक भी कहा जाता है, नीटम एफिड्रा, बेसिकली नीटेल्स फैमिली वाले जो हैं या नीटम से रिलेटेड जो फैमिली वाले प्लांट्स हैं वो एज एन एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और खास बात है जिसके बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म वन जायगोट इज फॉर्म्ड वन एम्ब्रियो, एक जायगोट जो बना वो एक एम्ब्रियो बनाता है, नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है उन जिम्नोस्पर्म में एक स्पेसिफिक चीज देखने को मिलती है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, मतलब एक जायगोट है, उस जायगोट में डिवीजन हुआ, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन चल रही है, क्लीवेज चल रहा है जायगोट के अंदर, और जो हैप्लॉइड सेल्स बनी है वो हैप्लॉइड सेल्स अलग अलग हो जाएं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनी हुई जो, सॉरी डिप्लॉइड सेल्स हैं जायगोट के माइटोसिस से बनी हुई जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, और एज एन इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो की तरह डेवलप होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में मैं इसे कहूंगा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, एक ही जायगोट से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाए। ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है और इसे कहा जाता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये तो हमने बेसिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की, हमने देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, सबसे पहले हमने बात की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट में उसके बारे में, उसके बाद हमने बात की है जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं उनके बारे में, फिर हमने बात की है फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन से बन गया है हमारा जायगोट, और अब हम नेक्स्ट आगे जो बात करने वाले हैं वो इस जायगोट से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है किस तरह से होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आगे मैं चलूँ उससे पहले कुछ नाम है जीन के जो हमें याद करने हैं, मैं बोल देता हूं उन जीन के नाम और उनके फंक्शन, और वो है मैटरनल इफेक्ट जीन्स। जैसा कि ड्रोसोफिला में हमने पढ़ा था, जैसा कि एनिमल्स में हम पढ़ते हैं,
अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान जो है मैटरनली कोडेड एमआरएनए या प्रोटीन एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, और वो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो है उसके दौरान अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को लीड करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मैटरनल इफेक्ट जीन्स। और वो प्लांट्स में क्या हैं उनके नाम हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है शूट एंटैंगलमेंट जीन, ये शूट एंटैंगलमेंट जीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN1 भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सप्रेस्ड इन एंडोस्पर्म जीनोम। बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है, डेप्थ में नहीं जाना। दूसरी है FBP7, FBP11, ये क्या काम आती है? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तीसरी है मेडिया MEDEA, इट इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट मैटरनल इफेक्ट जीन रिलेटेड टू नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बस इन तीन जीन का एटलीस्ट नाम हमें पता होना चाहिए। जीन हजारों हैं, सिर्फ तीन कुछ चूज करके मैंने बताई है, तो इनको याद करना तुम। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो जायगोट बन गया है प्लांट का, उस जायगोट में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या होने वाला है उसके बारे में अपन बात करते हैं।